नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीटेकी में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट करेक्टर्स क्लोथ्स, लाइक आपको इंडियन करेक्टर क्लोथ्स लाइक कुर्ता पैजामा कैसे क्रिएट करना है आईक्लोन में। तो उसके लिए जो हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, सबसे पहले चाहिए हमें करेक्टर आईक्लोन, सबसे पहला सॉफ्टवेयर आईक्लोन, करेक्टर क्रिएटर 3 एंड मार्वलस डिज़ाइनर, राइट। तो मान लीजिए इस करेक्टर का हमें क्लोथ क्रिएट करना है, तो वैसे तो आप नॉर्मली इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट मेरी टिप है कि आप यहाँ पर जाएं बॉडी में एंड बॉडी बिल्डर को थोड़ा सा आप सेलेक्ट कर लें। इससे क्या है कि क्लोथ की जो फिटिंग है अराउंड आप इसको 50% कर लीजिए। 50% कर लिया अभी हमने। अभी क्या करते हैं, पोज पर चलते हैं एंड से टी पोज दे देते हैं, राइट। तो क्या है कि जैसे कि अभी हमारा ये करेक्टर बॉडी बिल्डर में 50% हमने इसे कर दिया है। इससे क्या होगा, जो भी क्लोथ्स बन करके आएंगे उनका फिटिंग थोड़ा सा ढीला रहेगा। तो लाइकवाइज जो होता है ना कि आपको क्या होता है कि कपड़े कहीं से फटे हुए महसूस होते हैं, नज़र आते हैं, वो नहीं आएंगे। क्योंकि अगर मैं सेम करेक्टर पे लाता हूँ तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि आपको परफेक्ट फिटिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो अभी हमने ले लिया टी पोज, फाइल, एक्सपोर्ट, FBX क्लोथ करेक्टर, ठीक है। अभी क्या है, आप इसका बॉक्सर हटा दीजिए, राइट। बॉक्सर हटा दिया आपने एंड आप फाइल, एक्सपोर्ट, FBX क्लोथ करेक्टर। अभी क्या है, इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए आप। नाम दे लेते हैं हम इसे, डॉक्यूमेंट्स में है, नाम अनुज दे देते हैं, राइट। सेव हो गया। अभी चलना है अपने को मार्वलस डिजाइनर में, फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, अवतार, अवतार में आ गए हम, डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। यहां पे आपको FBX जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक अनुज, ओपन, ऑटो स्केल पे कर लेते हैं क्लिक, ओके कर देते हैं। राइट, तो करेक्टर देखिए हमारा आ चुका है। ये हमारा 3D व्यू है, ये हमारा 2D व्यू है। अभी क्या है कि सबसे पहले हमने बनाना है इसका पैजामा, देन कुर्ता, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं हम 2D व्यूज को, 2D व्यू में चलते हैं। अभी आपको सिलेक्ट करना है, सेकंड नंबर का टूल है एडिट पैटर्न टूल एंड H। तो सबसे पहले पैजामा बनाने के लिए ये कमर है इसकी, यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन ये पैटर्न आ गया हमारे पास। थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लेते हैं, राइट। अभी क्या करना है अपने को, सिलेक्ट कर लेना इसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड फ्लिप कर लीजिए। राइट, फ्लिप कर लिया, देन सेम सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये फ्रंट का हो गया, बैक का हो गया। अभी अपने को 3D व्यू में जाना है और इनको थोड़ा सा सेट कर लेना है। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, हल्का सा पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा पीछे हो गया है, ओके। तो अभी काफी ठीक है। तो इस तरह अगर आप पैजामा बनाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो पैजामा है ना वो फटेगा नहीं। जो नीचे कई बार होता है कि हम एक्शन करते हैं और पैजामा ऐसा फील होता है जैसे कि पैजामा फट गया है। नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, बस रख दीजिए कि जब आप स्टिचिंग करें तो स्टिचिंग सही से हो जाए, जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई सही से हो जाए। चलते हैं 2D में एंड सिलाई मशीन का देखिए, सेगमेंट स्विंग, ये आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको स्विंग करना है इसके साथ। देखिए क्रॉस नहीं करना, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लाइन पैरेलल होनी चाहिए, राइट। इसको डायरेक्ट इसके साथ
इसको डायरेक्ट इसके साथ देखिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, पैरेलल ही होनी चाहिए, ये इसके साथ, इसके साथ, राइट। कंप्लीट हो गया हमारा, 2D पे चलते हैं। आपने स्पेस प्रेस करना है, अभी जैसे आपको ये जो थोड़े बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये इसीलिए हमने साइज बढ़ा था कि वहां पर जाएंगे तो ये काफी सही आ जाएगा फिटिंग में। 2D पे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे स्टिचिंग नहीं हो पाई है। ओके, सेम यहाँ जाके करना है आपको। ओके, राइट, अभी ठीक हो गया है। तो अभी हमारे पास ये कुर्ता रेडी है, सॉरी पैजामा रेडी है। अभी हमें इसका कुर्ता बना लेते हैं। कुर्ता बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, पैजामा को पहले कर देते हैं हम साइड में, सेलेक्ट कर लीजिए आप इसे, साइड कर लीजिए, राइट। अभी कुर्ते के लिए हमें क्या करना है, फिर से हम जाएंगे, एच प्रेस करेंगे, राइट। ये कुर्ते का हमने एक पार्ट बना लिया है। अभी क्या, अगर आपने इसकी स्मूथनिंग वगैरह करनी है, चलिए पहले यहाँ पर चलते हैं एंड हाथ, डबल क्लिक, राइट। तो ये हाथ हो गए अलग से। अभी क्या है कि अगर आपने इसकी स्मूथनिंग वगैरह करनी तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करनी, नॉर्मल कुर्ता बनाना है तो बेस्ट मैं आपको एक नॉर्मल बना देता हूँ, फिर जो भी आपको डिटेलिंग्स करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फ्लिप कर लेते हैं इसे, राइट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। अभी क्या है, यहां पर चलते हैं अपन, ये ठीक है, राइट। तो आगे पीछे आपने इस तरह रख लेना है इसे। अब जहाँ पे भी आपको सिलाई करनी है तो 2D पे चलते हैं, देन इसको डायरेक्ट इसके साथ कर दीजिए, इसको डायरेक्ट इसके साथ, इसको डायरेक्ट इसके साथ, इसको डायरेक्ट इसके साथ, इसे करना है हमें इसके साथ, और इसे करना है हमें इसके साथ, सेम। अभी देखिए ये जो कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, ये वाले पोर्शन, इनको कर लीजिए, ओके, राइट। अभी क्या करना है, अपने को इधर आ जाइए और कट एंड सीव, कट एंड सीव, ये बाद में भी कर सकते हैं आप, अभी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कट एंड सीव, कट एंड सीव, राइट। ये कर लिया हमने, 3D में चलते हैं, स्पेस, देख पा रहे हैं ये कुर्ता काफी ढीला ढाला बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि कुर्ता ज्यादा ढीला ढाला ना हो तो आप इसे ढीला ढाला ना बनाएं। क्या कुर्ता एंड पजामा दोनों रेडी है। अभी आपने क्या करना है, इसे फैब्रिक ऐड कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने कुर्ते को अलग फैब्रिक देना है और पजामे को अलग फैब्रिक देना है, कि अगर आप फ्यूचर में उसका कलर चेंज करना चाहें करेक्टर क्रिएटर में या फिर आइक्लोन में, तो आप कर पाएं। तो फैब्रिक का कलर दे देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये ठीक रहेगा, राइट। अभी क्या, कुर्ता एंड पजामा आपका दोनों रेडी हो गया है। फाइल, एक्सपोर्ट,
FBX, इसका नाम दे देते हैं अनुज कुर्ता, राइट। इसे कर देते हैं हम सेव। एब्सोल्यूट टेक्सचर इन्फो इमेज फाइल पाथ, ओके। अभी क्या करना है, आपने को जाना है करेक्टर क्रिएटर में जहां हमने ये लिया था, यहां पे आपने करना है मॉडिफाई क्रिएट एसेसरी अनुज कुर्ता ओके। वेट करिए, राइट। अब देखिए कुर्ता पजामा दोनों यहां पे आ गए हैं, बट अभी क्या है कि यहां पे एग्जैक्टली दो कैरेक्टर हैं जो आपने इंपोर्ट किया, वो मॉडल भी इंपोर्ट हुआ है साथ के साथ, तो मॉडल को आपको डिलीट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं मॉडल किस तरह इंपोर्ट हुआ है। चलते हैं किसी पोज पे, फीमेल का ही पोज ले लेते हैं। चलिए अब ये देखिए क्या है कि हमारा करेक्टर तो पोज ले रहा है बट मॉडल नहीं ले रहा है ना, राइट। तो मॉडल को डिलीट करते हैं, सीन पे चलते हैं, डिलीट 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 डिलीट, राइट। अभी क्या है, दोबारा से अपना टी पोज पे चलते हैं हम, कंटेंट टी पोज, जी राइट। कि आपको सेलेक्ट कर रखे हमने आप क्लोथ्स, सीन में जाके देखिए अनुज कुर्ता सिलेक्ट है, ठीक है। अनुज कुर्ता सिलेक्ट कर लीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए ट्रांसफर स्किन वेट्स, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट में टेम्पलेट में क्लोथ सिलेक्ट है, अप्लाई कर दीजिए, तो अभी देखिए काफ़ी सही फिटिंग है करेक्टर की। और टेक्सचर पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैब्रिक्स हैं, राइट। दोनों में कलर नहीं है, जैसे कि मान के चलिए अगर कुछ फैब्रिक आपको ऐड करना है यहाँ पे टेक्सचर की जगह, पीवीआर में चलते हैं, और कोई फैब्रिक आपने अगर डाउनलोड करके रखा हुआ है, राइट, तो आप फ्री फैब्रिक टेक्सचर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे पिक्साबे पे आ रहे हैं ये फैब्रिक। मान के चलिए कुर्ते के लिए हमारे पास जो अच्छा फैब्रिक हो सकता है जी, राइट। तो हमने डाउनलोड कर लिया फैब्रिक, और इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट डाउनलोड्स, और इसके बाद सेम फैब्रिक अगर आपने कुर्ते में भी करना है तो कुर्ते में भी कर लीजिए। यहाँ पे जो डिफ्यूज कलर है यहाँ पे आपको करना होगा जाकर के वाइट, ओके। एम्बिशन कलर को भी कर लीजिए वाइट, राइट। तो अभी पीवीआर कर लेते हैं इसे हम, तो ये देखिए ये फैब्रिक अपलोड हो गया इस पे। तो इतनी ही आसानी से आपको कुर्ता और पजामा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें रीटेक के चैनल को, दबा लें उस बेल आइकन को कि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं रीटेक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।